तन कै प्रसादी कोख नानक हरस्यो मन मानिया रंग रते विस्मादे सर्वशील मंगलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव मम करता नानक लेप छेप न लिप्यते। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत सतगुरां दी अपरंपार कृपा रहमत बख्शिश दा सदका अज आपां रात्रि दे दूसरे दीवानां दे विच हाजरियां भर रहे हाँ। सतगुरां ने दया कीती रहमत ते बख्शिश कीती है। चल रही लड़ीवार गुरबाणी कथा श्लोक सहस्कृति मगला पंजवा दे अज आपां 38वें श्लोक की विचार कर रहे हाँ। रात्रि दे दीवान विच आप जी सरवण कर रहे सी दुखं भयंत सुखियं पै पीतं ता निरपय है थान विगुण विश्राम नामं नानक कृपाल कर कर गुर है। सचे पातशाह जिन्हां ते दया कर दिंदे कन उन्हां दे दुख सुखां दे विच तब्दील हो जाया करदे कन। भय भीत रहण वाले सहमे हुए डरे हुए डर रहित हो जाते हैं। थान भी खून विश्राम नामंग जिन्हां दा कोई थान नहीं है जिन्हां दे कोल टिकाओ नहीं है जां जिहड़े अनेकां जूनां दे विच जम्मदे मरदे रहिंदे ने जदों परिपूर्ण परमेश्वर की कृपा हो जाती है। थान भी खून जिन्हां दे कोल कोई थाई नहीं सी रहण वास्ते विश्राम नामंग नाम दे विच विश्राम आ गया प्रतख घर भी प्राप्त हो गया गुरु दे द्वार विच रहण दा मौका भी मिल गया और 84 लाख जूना च भटकदा फिरदा सी ओ भी खत्म हो गईयां मुक्त अवस्था मिल गई। नानक कृपाल खर खर गुर है सचे पातशाह ने दया कर दिती रहमत कर दिती नाम दा आसरा जो मिल गया। अज दे प्रवचनां दे विच आपां विचार रखे हाँ सर्वशील ममंग सीलं सर्व पावन मम पावन है की फरमान कीता जा रहा है। जो प्रभु सब जीवां नूं शांति देण वाला है शांति सुभाव देण वाला है मैनूं भी उही शांति देवेगा। जो सब नूं पवित्र करन दी समर्था रखदा है ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਗਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਵ ਕਰਤਬ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲੇਪੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਗੋਡ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ मेरा क्रिएटर भी ओही है मेरा कर्ता भी ओही है। उस वाहिगुरु ने अपरंपार कृपा करके विकारां तो जां विकारां दे लिबड़न तो बचा करके मैनू चरण कमलां दे नाल जोड़ रखिया है। नह शीतलं सद संगत अंतां दे ज्ञान देण योग प्रवचन सानू दे रहे हन सतगुरु। जदों असीं अंतां दे ध्यान दे नाल चितविरती दी एकाग्रता दे नाल सरवण करदे हाँ अनेकां पाप कर्म साडे दगद हो जाया करदे हन। नह शीतलं चंद्रदेव है नह शीतलं बावन चंदन है। अज साडा मन अशांत है किसी दा काम करके किसी दा क्रोध करके
किसी का लोभ मोह हंकार करके मन शांत नहीं है, मन भटकता रहता है। कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले लोभी जियड़ा थिर ना रखत है। चारे कुंडा पाले ए मन शांत नहीं आता, शांत हुंदा नहीं, भटकना दे विच पिया होया है। हुणे शांति लैण वास्ते कित्थे कित्थे जांदा है। नहे सीतलंग चंद्र देवक है, शांति लैण दे वास्ते चंद्रमा तक पहुँचण दी कोशिश करदा है। अज दा जीव तां चाहे चंद्रमा ते पहुँच गया, पुछया जावे कि तैनू शांति मिल गई उत्थे जाके, नहीं मिली। प्राचीन बजुर्ग किदां करिया करदे चंद्रमा दी शांति लैण वास्ते। जेठ हाड़ दियां धुप्पां, रात नूं भी बड़ी गर्मी आउंदी, अपना मंजा कोठे दे उत्ते डाह के जां साध संगत बाहर वेहड़े दे विच लगा करके मंजा उहदे ते आराम करिया करदे। अते जदों असीं छोटे छोटे बालक हुंदे तां साडे बजुर्ग दादे पड़दादे कहा करदे, अज चंद दी चांदनी किन्नी ठंडी है, किन्नी शांति आ रही है, अज पुत आपां बाहर ही आराम करांगे। चंद दी चांदनी इन्नी ज़्यादा ठंडी गिनी गई है, इन्नी ठंडी पूर्णमासी दी रात नूं शेष नाग अपनी जैकर ठंडी करन दे वास्ते जदों आउंदा है बाहर, अपनी मणि एक साइड ते रख दिंदा है। इच्छा तारी नाग, शेष नाग, मणि तारी नाग इदां रख के उहदे प्रकाश दे विच इतना ज़्यादा साध संगत जी नचदा है, टपदा है, शांति प्राप्त करदा है। कादे नाल? जदों चंद्रमा दियां रिश्मां मणि ते पैंदियां ने, मणि दे विचों अमृत बाहर आउंदा है, और सप अपनी दमोही जीव दे नाल जदों उस मणि नूं चटदा है तां उहदी जिहड़ी अंदर पॉइजन है, जहर जो तप रही है, जो अबाले मार रही है, उस मणि नूं चट चट के अपने आप नूं शांत करदा है। असी शांति लैण वास्ते चंद्रमा पास चले गए, साडे च हंकार वध गया, नफरत वध गई, ईरखा वध गई। लैण तां शांति गए सी, साडे विच भांबड़ होर मचने शुरू हो गए। इस करके गुरु जी नूं कहना पै गया, नह सीतलंग चंद्र देवक है, चंद्रमा ने भी तैनूं शांत नहीं करना। जिहड़ी तेरे विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग है ना, ये चंद्रमा तो शांत नहीं होनी। फिर असी कित्थे गए? नह सीतलंग बावन चंदन है, शांति लैण वास्ते असी 52 उंगलां दे 52 इंचस दे सैंडलवुड दे पास चले गए, चंदन दे दरख्त दे कोल चले गए। असी उत्थे जाके भी शांत नहीं होए। साडे नालों तां कोबरा शेषनाग चंगा, साध संगत गर्मी दी रुत्त दे विच जदों बहुत सारी गर्मी पैंदी है, कोबरा सप नाग जदों जहर दे नाल बहुत ज़्यादा अपने आप नूं आउट ऑफ कंट्रोल समझदा है, फिर अपने आप नूं शांत करन वास्ते पिंडां च नूं नहीं जांदा, पानी नहीं पींदा, चंदन दे जंगल वल नूं दौड़दा है। हुण उत्थे जा जा के सारे दरख्त, क्योंकि ओए पी चंदन खोए रखी बसे जो चंदन पास, और सारी दी सारी बनस्पति चंदन बन जाती है। जड़ी चंदन दे 52 इंचस दे 52 उंगलां दे चंदन दे पास जितनी भी बनस्पति दरख्त खड़े हुंदे ने और सारे चंदन बन जाते हैं। चंदन नूं महापुरशां दे वास्ते भी मन्निया गया है, चंदन बन जाते ने वसदे जो चंदन कोले, भाव जिहड़े लोग महापुरशां दे कोल रहणगे
महापुरखां दे रूप बन जाणगे। वड्डे संत जी महाराज श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज गुरदेव पिता महाराजियां दे नाल ढोलकी बजाउण वाले भी संत जहदार संत बाबा महिंदर सिंह जी जरग वाले संत महाराज जी दे नाल दीवान दी अरदास करन वाले भी संत महापुरश श्रीमान संत बाबा तेजा सिंह जी महाराज संत महाराज जियां दे लंगरां दे वास्ते दुध देण वाले डंगर पशु मज्जां मज्जां नूं सांभण वाले भी संत महाराज श्रीमान संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज लंगरां वाले महाराज जी दे नाल चिमटे बजाउण वाले भी संत महाराज जी दे दीवानां दी अनाउंसमेंट करन वाले श्रीमान संत बाबा वरियाम सिंह जी महाराज रतवाड़ा साहिब वाले वह भी महापुरश सो साध संगत कहण तो भाव जिवें चंदन दे दरख्त दे आले दुआले जितनी भारी बनस्पति हुंदी है वह सारी दी सारी बनस्पति चंदन दा रूप धारण कर लैंदी है इवें किवें महापुरशां दे नाल रहण वाले उन्हां दे सतसंगी जिहड़े महापुरशां ते विश्वास करदे ने ओह सारे नहीं साध संगत एक गुरमुख प्यारे सन बलवीर सिंह उन्हां दा नाम सी उन्हां नूं महाराज जी ने आप पालिया सी वड्डे संत जी महाराज जी ने आप पालिया वड्डियां कीता टकसाल विच पढ़न वास्ते भेज दिता जदों टकसाल दे विचों पढ़ के आए शाम नूं श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की कथा करिया करन असी दस रहे हैं उही चंदन हुंदे ने जिहड़े चंदन दे नाल अंतां दा प्रेम करके उहदी शक्ति उहदी वासना कबूल दे ने नहीं तां बांस बढ़ाई बूढ़िया इहो मत डूबो कोई चंदन कै निकट वसै बांस सुगंध ना होए ये नाल दो ही प्रमाण आ गए जिहड़े सत पुरशां ते विश्वास करनगे वह सत पुरशां दा रूप बन जाणगे। श्री गुरु नानक देव जी की संगत की श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज ने वो टाइम दूर नहीं सी जदों श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव नूं दूसरी पातशाही बनाता उन्हां दा रूप बन गए सारे नहीं बने जिन्हें भरोसा किया वह दूजी पातशाही बने। आप अपने प्रमाण वल आईए वड्डे संत जी महाराज ने बलवीर सिंह ज्ञानी बलवीर सिंह जी ने बड़े प्रेम नाल पालिया बड़े विद्वता दे नाल भरपूर सन साध संगत अंतां दी कृपा हो रही सी। शाम नूं जदों ज्ञानी बलवीर सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा करिया करनी संगतां ने बड़ी दूरों दूरों आना वड्डे संत जी महाराज ने चौंकड़ा मार के उहदी कथा सुनिया करनी किसी प्रेमी ने क्योंकि खराब करन वाले बहुते हुंदे ने साथ देण वाला तां सौ चों इक ही हुंदा है जिन्हें साथ देने जिन्हें चलदा कम विगाड़ना हुंदे ना ये तां सैकड़े हुंदे ने। एक प्रेमी आके कहिंदा प्रेमी नहीं सी जो कि सतपुरश साधु जन स्टेज ते किसी नूं पापी कह के नहीं बुलाउंदे हुंदे इस करके एक ऐसा प्रेमी आया जिन्हें आके ज्ञानी बलवीर सिंह जी नूं कहना कीता गल सुनो ज्ञानी जी तेरे अर्गा विद्वान तां राड़े दी ढक्की च कदे आया ही नहीं सब तो बड़ा विद्वान तो देख तेरे करके राड़े दी ढक्की च किन्नी दुनिया आउण लग गई। वह कहिंदा नहीं नहीं संत महाराज का प्रताप है उन्हां करके दुनिया आउंदी है। कहिंदे लै तू तां एवें बोली जाना वह बंदा कहन लग्या ज्ञानी बलबीर सिंह जी नूं खराब करन वाला बंदा भी तेरे बिना थोड़ो कम चलना जिहड़ी इह गल कहिंदे हुंदे ने। कहिंदा गल सुन जे किते वड्डे संत जी महाराज तो कम चलदा हुंदा आप ही ना कथा कर लिया कर दे तैनू कहते कहिंदे भी तू कथा करिया कर उहनां नूं कथा नहीं आउंदी दवा नहीं लाउणे आउंदे ने उहनां नूं तां कथा तां तू करदा। वह कहिंदा नहीं महाराज महाराज जी ने मैं तो जवाक है उन्हां दा। वह कहिंदा गल सुन ज्ञानी बलवीर सिंह तेरी कथा तो संत ईश्वर सिंह आप आके सुनदे है जी उन्हां नूं आउंदी होवे तेरी कथा क्यों सुनन उन्हां नूं नहीं आउंदी। हुण जदों इन्ना क पंप मारता तो साध संगत जी फिर तो पाटना ही सी ना उसने कहन लग्या फिर हुण तू की चाहुंदा है
कहिंदा तूं बाबे नूं छड्ड आप दा डेरा पा, आ जिन्नी दुनिया इत्थे तैनूं सुणन आउंदी है ना ये सारी दुनिया तैनूं तेरे डेरे च सुणन जाया करूगी। कहिंदा आपां अपना डेरा किवें पावांगे, कहिंदा मैं दबाउणा तैनूं। आ जिहड़ा मलेरकोटला रोड है ना, इस रोड ते कुपनंग अकबरपुर छन्ना पिंड आउंदा है। इत्थे फिर ज्ञानी बलवीर सिंह नूं थोड़ी जी जगह दवा दित्ती, ज्ञानी बलवीर सिंह उत्थे चले गए। यह रूहानी संदेश विच लिखिया होया प्रमाण है। संत मोहन सिंह जी आजाद राड़ा साहब के मुख कथावाचक उन्होंने ग्रंथ लिखे है, उहदे विच प्रमाण है। कहिंदे उस वेले क्योंकि वह दस्तार भी है महाराज वांगू सीधा दस्तारा सजाउंदा सी, ऐनकां भी लाउंदा सी, हाथ विच खूंडी पकड़दा सी, चोले दे नाल पजामी पहनदा सी, पंजाबी जुत्ती पाउंदा हुंदा सी, मतलब कि लिबास तौर ते महाराज वांगू लगदा सी देखण नूं। कहिंदे लै तेरी तां दिख भी उहनां तों उपर दी है, आप दा डेरा पा। हुण उहने जाके डेरा सांभ लिया, वह जगह बना ली, रात नूं पोथी लैके बैठिया, कोई सुण नहीं ना गया। दूजे दिन फिर बैठिया, कोई सुन नहीं ना गया। इधर महाराज कहिंदे भाई अज कोई कथा करन वाला नहीं पहुंचिया, इन्नी संगत सजी हुई है संगत दे विच, कथा करन वाला कित्थे है ज्ञानी बलवीर सिंह? कहिंदे महाराज जी वो तां गया। कहिंदे गया, सानू तां दस के नहीं गया, कित्थे गया? कहिंदे महाराज आए सुनन दे विच आया, उहनूं किसे ने रोड ते जगह देती, उहड़ा पक्का रोड है बड़ा, वह आपे ही संत बन गया। महाराज कहिंदे ज्ञानी ज्ञानी हुंदे ने, संत संत हुंदे ने। उहनूं लै आउणा सी भाई, लै के आओ। जदों हुण पंज चार प्रेमी भेजे लैण वास्ते, उत्थे किथे साध संगत, उह कहिंदा लै आ तां गल ही बण गई। राड़े वाले महाराज तां मैनूं बंदे भेजदे ने कि तेरे बिना कथा ही नहीं हुंदी। कहिंदा जाके कह दिओ मैं तो हूँ आप दा ही डेरा चलाऊंगा, मैं नहीं आउंदा, इत्थे ही रहूंगा मैं तो। जो इस तरह के नाल कहा, महाराज कहिंदे फिर की कहिंदा भाई? कहिंदे महाराज वह कहिंदा मैं तो इत्थे ही रहूंगा, मैं नहीं आउंदा। महाराज जी वह तो फिर गया, हुण की करांगे? महाराज कहिंदे गया आउंदा नहीं? कहिंदे ना महाराज आउंदा नहीं है। महाराज कहिंदे जे गया तां गया, हुण नहीं आउंदा मुड़ के, गया तां गया। साधु बोले सहज सुभाए, साधु दा बोलिया बिरथा ना जाए। ना टलदे ना टलदे बोल फकीरां दे, कितें टलदे हुंदे है साध संगत जी, भावें चंद्रमा नाश हो जावे साधुआं दा बोल ना टले। अंड बिनासी जेर बिनासी, उत्पुज सेहत बिनादा, चार बिनासी खटे बिनासी, साध बचन नहीं चलादा। इनू कोई टाल नहीं सकता, सतपुरशां दे बचना नू कोई भी बंदा दुनिया ते बदल नहीं सकता। हुण की होना सी? इधर महाराज जी ने एक सिख दे सिर ते हथ धरिया, कहिंदे असी सारे बैठे हाँ, कर भाई कथा, तो क्यों नहीं करेगा, कर कथा असी सुणांगे। डरदा सी पर जदों सतगुरां दी हजूरी च नमस्कार करके गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा शुरू की, दस गुरु साहिबानां दा नाम लैके, वड्डे महापुरशां दा नाम लैके कथा की प्रारंभता हो गई, सारी संगत शांत होके बह गई, आनंद ही आनंद बन गया। संगतां दा चित करे सारी रात कथा हुंदी रवे। बलबीर सिंह भुल गया सारिआं नूं, किरपा ही ऐसी हुंदी है ना, कई वारी इन्नी कु किरपा होई, कथा होई दो ढाई घंटे आनंद बन गया। उधर ज्ञानी बलबीर सिंह नूं कोई सुणन ना गया। दूजे दिन जदों ने गर्दन के पिछले पासे हाथ ला के देखिया, उहदी गर्दन के पिछले पासे एक फोड़ा जिहा बन गया। शाम तक उड़ीकदा रहा, कोई गया आया भी ना, उत्थे पंप देण वाला भी ना गया उहनूं मिलण, उहदा दुख सुख पुछण। शाम तक देखिया उहदी गर्दन के पिछे बहुत वड्डा फोड़ा बन गया।
जो दूसरा दिन होया साध संगत जी इत्थे मोढ़ियां तक कैंसर का फोड़ा एड्डा बड़ा बन गया जिमें अब अपना सिर हुंदा है सिर जिड्डा जिमें एक सिर होर हो गया होवे एड्डा बड़ा दसदे ने भी जिन्हां दी भयानक बीमारी हुंदी है बेचारे बड़ा हाय बिरलाप करदे दर्द सहारिया नहीं जांदा बड़ा उची उची करलाउंदा उची उची रोंदा बैराग करदा पर साध संगत बाणी जय तन बाणी बिसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सोए की कहंदे कन जिन्हों बिसरी वाहेगुरु तेरी बाणी पक्के रोगी वांगू बिलक दे हुण बाणी केड़ी सत पुरशां दे प्रवचन सत पुरखां दी आग्या सत पुरखां दी हजूरी विच रह करके कथा करनी संगतां दी असीस लैनी संगतां दी कृपा दी दृष्टि तुसी देख रहे हो तुसी सुन रहे हो तुहाडी मेरा परे दृष्टि साडे ते पवे साडे पाप दगध हो जाण साडे माड़े कर्म कटे जाण तुहाडी दृष्टि दे नाल असी सुणाउंदे ही ना रह जाइए तुहाडी दृष्टि दे नाल सतगुरु बाणी च कहिंदे ने अमृत दृष्ट पेखै होए संत तुसी अमृत परी दृष्टि नाल संगतां कथा करन वाले वल देखो उहनूं संत बना सकदे हो अमृत परी दृष्टि नाल देख ही लो बस किरपा तुहाडे विच दी गुरु साहब ने किरपा क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसै जीओ तुहाडे विच परमेश्वर वसदा है तुहाडे विच अकाल पुरख आप वसदे ने तुहाडे विच दी जिहड़ा तुसी देखना है तुहाडी दृष्टि विच वाहिगुरु ने देखना और वह दृष्टि पै जाणी बड़े बड़े पापियां दे पाप कट्टे जांदे कर साध संगत जो तीजी रात हुण हाय बिरलाप करदा हथ वह फोड़े दे उत्ते रख्या होया कै इधर उधर भज्जिया फिरदा उत्ते खूह सी मीह बड़ा पैंदा है नेहरी बड़ी चलदी बिजली बड़ी लश्कदी बदल बड़ा घोरदा बस राह नहीं पता लगता किधर नूं जावां हे राड़े वाले महाराज बख्श लो हे श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज बख्श लो इदां कहिंदा मैनूं शांति मिल जावे आपां विचार कर रहे हां ना नह सीतलंग चंद्र देव है नह सीतलंग बावन चंदन है नह सीतलंग सीत रुतेण नानक सीतलंग साध सवजन है साधुआं दी संगत बिना शांति नहीं आ सकती जिथे मर्जी भटक लो हुण जदों बेचारा लभदा भालदा महाराज नूं वी मैं पहुँच जा एक वारी पर जदों महाराज ने कहता गया तां गया खूह च डिग गया सारी रात उची उची हाय हाय करदा रहा आखर नूं साध संगत जी प्राण पंखेरू उडारी मार गए महाराज ने दूजे दिन कहा भाई वह बेचारा कल्ला बैठा सी उत्थे जाके देख के आओ उहदा हाल की है किवें है उहनूं भोजन प्रशादा मिलदा कि नहीं जदों दो प्रेमी आए आ करके साध संगत जी देखदे कन उह जगह खाली पई इधर उधर लभदिआं भालदिआं जदों खूह वल देखिआ तां ज्ञानी बलवीर सिंह उहदे विच मरे पए सन साध संगत बिछड़िया ही मर गया टुटिया ही मर गया बिछड़िया दूर होया इस करके असी खोमे हंकार नूं पट्ठे ना पाईए कि मैं बड़ा मेरी लोड़ होवेगी आपे ही हाड़े कढ़णगे नहीं गुरु नूं किसे दी लोड़ नहीं महापुरुष नूं किसे दी लोड़ नहीं लोड़ तां सानूं है साध संगत असी हाँ लोड़वंद असी भिखारी सच्चे पातशाह ते सच्चे पातशाह दे साधु तां राजे ने हम भीखक भिखारी तेरे तो निजपत है दाता तुसी महाराज दाते हो सानू पापियां नू खैर पाउण वाले हो तुहाडियां रीसां कौन कर लूगा महाराज फिर दूजे दिन महाराज आप आए उहदे शरीर नू कढवाया ते संभालिया अंतम जो मर्यादा सी उह कीती गई सो मेरा कहण तों भाव है कि बंदे च इन्ना हंकार इन्नी ईरखा इन्नी नफरत शांति कित्थों आउणी है
कहिंदे कन नह सीतलंग चंद्र देव है नह सीतलंग बावन चंदन है बवंजा उंगलां दा चंदन असी कह रहे सां कि चंदन ते महापुरश एक कंपैरिजन किया गया है गुरबाणी दे विच जिवें चंदन दे कोल रहण वाली सारी बनस्पति चंदन हो गई बांस नहीं होया चंदन इवें किवें जिहड़े महापुरशां कोल रहणगे महापुरशां ते भरोसा करन वाले वह तो महापुरशां दा रूप बन जाणगे पर बांस बढ़ाई बूढ़िया इहो मत डूबो कोई चंदन कै निकटे वसे बांस सुगंध ना होए हुण जिहड़ा बांस वर्गा बैंबू वर्गा होवेगा वह कित्थों चंदन बन जाएगा तो वह मैं प्रमाण फिर मैं ग्ञानी बलबीर सिंह जिया का दे दिता सारी विद्या पढ़ाई सारा ज्ञान करवाया पर फिर हंकार दे वसीभूत हो करके विछड़े संसार तो चले गए इवें किवें हुण चंदन च किन्नी पावर है चंदन का टिक्का हिंदू वीर मत्थे ते लगा के मंदिर दे विचों दुकान ते जाके बहिंदे है बाणीए कह लो लाले कह लो सेठ कह लो शाहूकार कह लो मत्थे दे उत्ते चंदन दा टिक्का ला के जांदे है साडे जिमीदार वीर फिर उन्हां कोल जाके कदे तां ब्याज ते पैसे मंगदे है कदे आड़त दे पैसे मंगदे है कदे सौदा मंगदे है जदों दसदे वी आ 2 रुपये महंगा हो गया फिर साडे सरदार वीर कह लो जिमीदार कह लो उन्हां नूं गालां कढ़दे है बहुत बोलदे है वह गाल का जवाब गाल च नहीं देंदे मूँह चो कहिंदे ने कि 2 रुपये महंगा होया जदों कहिंदा ना कि मैं तो जी आधार चकना फिर उत्ते 2 की जगह ते 4 रुपये लिखदे है तुसीं ब्याज ते लैंदे हो पैसे फसल मैं तुहाडे लई आवांगा और तुसीं मैनूं पैसे असीं उन्हां तों पैसे लैके आउंदे हाँ उहदे नाल दी नाल लिखिया जांदा इन्ने पैसे कट्टे गए इन्हां दे जदों फसल मेरे पास बेचण वास्ते आउणगे तां लख दे विच्चों 50,000 तां पहले ही रह गए लै गए पिछे 50,000 ही बच गया ते जिहड़ा लै गए उहदा उदण तों ब्याज शुरू हो जाणा कहणगे 2 दा लाउणगे 3 दा चंदन का टिक्का लाया होंदा ना क्रोध च नहीं आउंदे शांत रह के कलम की मार करदे है मोदी ने नहीं कीती मोदी ने भी तो यही कुछ किया नाल बादल बैठे आ नाल कैप्टन बैठे आ आम आदमी पार्टी सब बैठे उहदे कोल सब उहदे कोल बैठ के सारे कह के आए आ बिल पास कर दे हुण ओ आप दी उही आदत उहदी सारे बिल इन्हां तों साइन करवा के पास करते साडे वर्गे गालां कढ़दे रह गए पिछे की मिलिया हुण कहिंदे इत्थों चले जाओ नहीं तुहानूं करोना कर देंगे तुहाडी आक्सीजन मुका देंगे चले जाओ नहीं पंजाब नूं तुसीं हुण इत्थे आउंदे ने ओह सप्प दे मूँह च कोड़ किल ली है छड्डदा तां कलंकी हुंदा खांदा तां कोड़ी बणदा है हुण जे इत्थे आउंदे ने असीं सारिआं ने घरां चों 1100 रुपया इकट्ठा करके दित्ता इत्थे आउणगे इत्थे वाले मार देणगे उत्थे रहणगे तां करोने वाले मार देणगे दसो की कीता जावे असीं तां गालां कढ कढ के कम विगाड़दे हाँ वह चलाउंदे ने कलम दी मार इह मैं केवल 52 उंगल दे चंदन नूं ऐ थोड़ा जिहा घसाया गया ऐ इस उंगली दे नाल थोड़ा जिहा लगाया गया और मत्थे दे उत्ते टिक्का लगाया गया इन्ना शांत कर दिंदा है कि दुनिया नूं जित्तण दी समर्था दे दिंदा है ते असीं गालां कढ के बणदा काम भी बिगाड़ लैंदे हां सत साडे घर च शांति नहीं रखी जांदी अगला मौज नाल बैठा है उहदे कन्न ते जूम नहीं सरकदी असीं की कुछ करता 1.5 साल हो गया सानू इह तां गुल्ली डंडे वाली गल हो गई भी कणक दे विच गुल्ली डंडा हो रहेगा कि असीं जाके गालां कढे आउंदे हां गुल्ली डंडा माड़ा हुंदा है गुल्ली डंडा बड़ा भैड़ा हुंदा है ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ 4 ਇੰਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜੂਗਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ ਚੰਦਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਬਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ
ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਫਿਰ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਚੋਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਲਦੇ 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 ਜਿਹੜਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਚੰਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਗ ਸੱਪ ਦਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਈਰਖਾਲੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਈਰਖਾਲੂ, ਇੰਨਾ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਚਾਤਰੀ, ਬਾਜੀ ਗਰਬੇ ਕਾਮ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ, ਕਬੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਈਰਖਾਲੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੋ ਦੋ ਰਜਾਈਆਂ ਲਈ ਦੀਆਂ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀਟਰ ਚਲਾਈ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੋਟ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਈਰਖਾਲੂ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ, ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਈਰਖਾਲੂ ਨੂੰ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸੁਅਜਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਭੱਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਦੂਈ ਦੁਐਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਵਤਰ ਪੂਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਗੋਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਏਮ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਮੀਟ ਟੂ ਗੋਡ, ਵੇਕ ਅਪ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਵਰ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੀਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਮੀਟ ਟੂ ਗੋਡ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ, ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਧਿਆਨੰ ਸਰਵਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਆਲਮਾਈਟੀ ਗੋਡ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੈ।
सुखा दुखा नू इको जेहा समझना, सुख दे विच हंकार नहीं करना, शराबा पी के ललकारे नहीं मारने, दुख विच जाके वाहिगुरु नू गाला नहीं कढ़नियां, महापुरशां नाल नफरत नहीं करनी, हर दोनों अवस्था दे विच इको जिहा रहना। ज्ञानं सम दुख सुखं, ये ज्ञान समझ लो कि तुसी हमेशा वास्ते दुख ते सुख दे विच एक समान रहना है। जुगत निर्मल निर्वैरणे, ये जुगती है, गृहस्थ जीवन दी ये जुगती है कि कोई वस्तु आई जावे जाई जावे ना हंकार करना ना पुभा मार के रोना है कि मेरे तो आ नहीं होया, मैं आ करना चाहुंदा सी, नहीं। जुगत निर्मल निर्वैरणे, वैर रहत होके रहना है, उच्चा ते सुच्चा जीवन बसर करना है। दयालं सर्वत्र जिया, पंच दोख विवर्जित है, सारे जीवन दे नाल प्यार हमदर्दी रखनी, काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंच दोख विवर्जित है, पंजा दोखां नूं परां करके रखना अपने आप तो, क्योंकि साध संगत जी इन्हां नूं खत्म तां नहीं कर सकदे, करना भी नहीं चाहीदा, इन्हां नूं कंट्रोल दे विच रखना हुंदा है कि मैं अपने कंट्रोल दे विच इन्हां नूं रखां, जदों मैनूं आग्या जां हुकम होवे इन्हां नूं यूज़ कर सकां। पंच दोख विवर्जित है, इन्हां तों बचे रहना, इन्हां ते काबू पा के रहना, अपने शरीर नूं काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे मगर नहीं लाउणा, सगों अपने शरीर दे अंदर नाम सिमरन बसा के रखना चाहीदा। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रखत है, परमात्मा दी सिफत सलाह नूं जिंदगी दा आसरा बनाउणा चाहीदा, परमात्मा दी बंदगी नूं सिमरन नूं भजन नूं बंदगी नूं आसरा बना के रखना, माया तो निर्लेप रहना, कमल फुल दी तरह रहना बिच है माया दे, वर्तनी है पर निर्लेप, उहदा रंचक मात्र भी छिट्टा ना लग जाए तेरे ते, वर्तनी है, आवे जिन्नी मर्जी जावे जिन्नी मर्जी, इहदे नाल मोह नहीं करना। उपदेशं सामित्र सत्रै, भगवंत भगत भावनी, सज्जन ते वैरी दे नाल इको जिहा प्रेम रखण दी सिक्ख्या धारण करनी। जे वैरी दोस्त बन के आ गया, याद तो रखना है कि मेरा वैरी है, पर अंदरों वैर भावना दिखाउणी नहीं, नफरत करनी नहीं, पर अपने दुश्मन नूं कमजोर भी नहीं समझना। यह ना होवे तू निम्रता रखदा रहे, वो तेरी पिठ विच वार कर जावे, ये भी नहीं रखना गा, याद रखना गा। उपदेशं सम मित्र सत्रै, भगवंत भगत भावनी, सज्जन ते वैरी ना इको जा प्रेम भाव रखण दी सिख्या ग्रहण करनी चाहीदी है, परमात्मा दी भगती विच प्रेम बनाउणा चाहीदा है। पर निंदा नह स्रोत सरवणं, आप त्याग सगल रेणु कै, प्राई निंदिया नहीं सुननी कन्नां दे नाल, एक गृहस्थ आश्रम दियां ड्यूटियां ने, ये साड़ी सिख्या है जो गुरु साहब ने सानू दित्ती है। जे कोई साडे कोल बह के निंदिया करदा है, उहनूं कह जे तां चौपी साहब दा पाठ करना फिर तां तूं बह जा साडे कोल, जे तूं इहो जिहियां गल्लां करनियां है तां हथ बन्न के बेनती है तूं आपदे घरे चलिया जा, जां आपदे वर्गे निंदक होर लभ ला, उहनां निंदकां दे नाल करी जा जिहड़ियां गल्लां करनियां, साडे कोल समां है नहीं तेरियां गल्लां सुणन दे वास्ते। इस करके पर निंदा नह स्रोत सरवणं, अपने इन्हां कन्नां दे नाल पराई निंदिया बिल्कुल नहीं सुननी। की करना है? आप त्याग सगल रेण कह, आपा भाव त्याग के, होमे हंकार त्याग के, संत जनां दी चरणां दी धूड़ बनना, संगतां दी चरणां दी धूड़ बनना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी गुरबाणी दी विचार नूं खिरदे विच बसाउणा, उन्हां दे मुताबक चलना, सदीव काल हंबलनैस दे विच रहना, निम्रता भाव दासा भाव दे विच रहना, ये गृहस्थी वास्ते ज्ञान करवाया गया है।
खट लखियन पूर्ण पुरख कै नानक नाम साध स्वजन है। आ जेड़े गुण असी हुण तुहानू दस के खटे हैं भाई, ये छे गुण ने पूर्ण पुरखां दे। कई कहंदे ने मैं पूर्ण पुरख बनना चाहुंना, औगणा तो पाप कर्मा तो बचना चाहुंना, दुखां तो निवृत्ति दो मैनू, मैं बड़े महापुरश लभे पर मैनू पूर्ण नहीं लभिया। श्री गुरु अर्जन देव कहंदे ले आ छे गुण अपने आप च धारण कर लै, तू आप ही पूर्ण महापुरख बन जाएगा। आ धारण कर लै तू आप दे विच केड़े केड़े गुण ने साध संगत जिहड़े असी हुणे हुणे आप जी नूं दस के घटे हां। केड़े गुण? मंत्रं राम राम नामं, सदीव काल अपनी रसना दे नाल वाहिगुरु मंत्र दा जाप करदे रहना। अगला, ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, अपना कंसंट्रेशन वाहिगुरु जी ते केंद्रित करके रखना। ज्ञानं सम दुख सुखं, दुख ते सुख दे विच वाहिगुरु जी दी आग्या रजा ते भाणे विच रहना। सुख विच मोढ़िया तो नहीं थुकना, शराबा पी के ललकारे नहीं मारने, और दुख दे विच वाहिगुरु जी नूं गालां नहीं कढ़णियां, सत पुरशां दे नाल नफरत नहीं करनी। ज्ञानं सम दुख सुखं, जुगत निर्मल निर्वैरण है, ये जुगती सिख लै, निर्मल पवित्र बन के अते निर्वैरण है, वैर रहत हो के जीवन दी जुगती सिख लै। दयालं सर्वत्र जियां, पंच दोख विवर्जित है, सदीव काल सब जीवन दे उते दया धारण करके रखनी। कदे भी ए ना होवे कि तू जीव हत्या करे, जीव दे स्वाद वास्ते तू जीवन नूं वड वड के खाई जावे, ये तेरे वास्ते विवर्जित है। ये कर्म तू करना नहीं, सगों दयालं सर्वत्र जिया, सारिया जीवन दे उते मेहरबान होके रहना, सबना दा भला करना। पंच दोख विवर्जित है, और जिहड़े पंज दोख ने ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां नूं वर्ज के रखना, इन्हां तों परे रहना। भोजनं गोपाल कीर्तनं, अल्प माया जल कमल रखत है, ऐसा जीवन होवे तेरा भोजनं। हुण तैनूं एक घंटा प्रशादा ना मिले, परिवार दे नाल लड़ाई बड़ी करदे, झगड़ा बड़ा करदे, रोटी लेट कर दित्ती। सच्चे पातशाह नूं पुछिए, महाराज जिहड़ियां असीं चार पंज रोटियां खाने आ, की ये ठीक है? इहदे नाल साडी आत्मा तृप्त हो जांदी है, ठीक है? महाराज कहणगे ना भाई। भोजनं, भोजन किहड़ा है? भोजनं गोपाल कीर्तनं, जिहड़ा वाहिगुरु दा जस करना, महिमा करनी, कथा कीर्तन करना जां सुनना, इह भोजन है साडी आत्मा दा। रोटियां तो दिन च तीन बार खाने, फिर भुख लगे आउंदी है। जदे कसी जम्मिया पता नहीं किन्ने क ट्रकां दे ट्रक खा गए होवांगे, किन्ना क गंद मंद बनाता होवेगा। कदे सुनिया कि असी जस कर लिए? कदे मन नूं कहा ऐ मना आ जा आपां 10 मिनट बाबे दी बाणी पढ़ लीए, आपां भजन कर लीए, आपां बंदगी कर लीए? नहीं, साध संगत माड़े कर्मां तों वेल नहीं मिलदी, संसारी झमेलिया तो वेल नहीं मिलती, ईरखा निंदिया चुगली बखीली तो वेल नहीं मिलती, नाम कदों जपना। मर्ज कहंदे भोजन गोपाल कीर्तन, अल्प माया जल कमल रख तक है, वाहिगुरु जी सा करनी ये सच्चा भोजन है। पानी दे अंदर कमल फुल जिमें आनंद माणदा है, अते निर्लेप रहिंदा है, तू भी रह के संसार दे विच अल्प माया जल कमल रहत है, जिमें कमल फुल पदार्थां च रह के पानी विच रह के निर्लेप रहिंदा है, इवें किवें तेरा उच्चा ते सुच्चा जीवन होना चाहीदा है। उपदेशं सम मित्र सत्रै, भगवंत भगत भावनी फरमान कर रहे हन कि ऐ जीव इस सम मित्र सत्रै, सबना दे वास्ते बराबर दा उपदेश होवे, सबना दे वास्ते बराबर दा वरतारा होवे। ये ना होवे कि प्रसाद वरताउण वेले आपदिया नूं बहुता, जिवें आ छबीलां लगणियां ने, आपदा परिवार आ गया, उन्हां नूं बाल्टी भर के देती,
जे कोई गौर लंघन वाला जां कोई गरीब आ गया उन्हूं कहता ठहर जा खजे बर्फ घोलन वाली पई है मिठा घोलन वाला पे है नहीं अमित्र सत्रह भगवंत भगत पावनी ये तेरी भावना दे उत्ते वाहिगुरु जी खुश होणगे जे तू बराबर दा उपदेश दमेंगा निम्रता धारण करके रखेंगा और दोस्त ते दुश्मन नूं बराबर समझ के नफरत दा त्याग कर दमेंगा नह निंदा पर निंदा नह स्रोत सर्वनंग आप त्याग सगल ऋण कहे महाराज कहिंदे प्राय निंदिया कन्नां नाल सुननी नहीं आपा भाव त्याग के प्रभु चरणां दे नाल अपने चित विरती नूं जोड़ना और अपने आप नूं साधु संतां दे गुरु महाराज दे चरणां दी धूड़ी बनाउणा खट लखण पूर्णंग पुरख है नानक नाम साधु सुवजन है जिदे विच भाई आ छे लक्षण आ गए छे करम छे ज्ञान आ गए तां तुसीं उसनूं साधु सुवजन है उहनूं पूर्ण तौर ते गुरसिख साधु संत महापुरश ब्रह्म ज्ञानी अते भाई साहब वर्गे शब्दां दे नाल संबोधन कर सकदे हो खट लखण पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध स्वजन है इस करके साध संगत जी असी भी अपने आप नूं चाहे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ना बना सकीए पर असी उन्हां दे रास्ते ते तां चलना कहना जिहड़ा लायक पुत्र हुंदा है वह अपने पिता दे दसे मार्ग ते चलदा है असी फिर उन्हां बजुर्गां दे उन्हां महापुरखां दे सेवक हाँ साडा भी फर्ज बनता कह के जे असी महापुरश नहीं एक दिन बन जाएंगे उन्होंने रस्ते ते तो चलीए जिमें उन्होंने बंदगी करी कराई इवें आप भी बंदगी करिए ते कराइए नाम जपीए ते जपाइए एक दिन साढ़े ते भी कृपा हो जाएगी असी सुनाउंदे ही ना रह जाइए असी कमाउण जोगे भी हो जाइए कृपा हो जाएगी सो इस करके साध संगत जी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने सिक्के नगर दे विच आउण दा सुभाग समा बख्शिया संगतां ने बहुत प्रेम दे नाल ये सब कथा कल दा दीवान भी और अज दा दीवान भी बड़े प्रेम दे नाल सरवण कीता आप सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद सतगुरु दया करन आपां नूं खुशियां बख्शन आपां दुबारा फिर इसी तरह वाहिगुरु जी दा जस करिए महिमा ते वड्याई करिए बोलदिया तो विचारा करदिया तो पता ही कोई नहीं किन्नियां गलतियां हो गई अणजाण सिख सेवादार समझ के बख्शण की कृपालता करनी साध संगत जी रहिंदिया विचारा आने वाले समय दे विच आपां करदे रहांगे हुण देवो असीस बुलाओ फतेह साहिब आखो वाहिगुरु जी।